आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सामने बैठे हुए हमारे सभी अधिवक्ता और अभिनंदन है। आई एम जागरूक कैंपेन जब सितंबर में स्टार्ट हुई थी 13 सितंबर को, तो उस समय हम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने थे और आज ये कार्यक्रम इस बृहद रूप में पहुंच गया है कि आज कार्यक्रम की वेबसाइट का इनॉग्रेशन हो रहा है। और भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिस एक मिनट हिमांशु इधर फोटो। मैं अंकुर सक्सेना, संयोजक आई एम जागरूक कैंपेन। हमारा ये कैंपेन जो है विश्व में अपने तरीके का अनूठा कैंपेन है। आप समाज के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हम लोगों के कैंपेन की ऑफिशियल वेबसाइट का आज प्रेस क्लब लखनऊ में इनॉग्रेशन हुआ है। हमारा मेन उद्देश्य है कि विश्व में जैसे जितने भी विकसित देश हैं, वो सारे देश कहीं ना कहीं अपने नागरिकों के कर्तव्यों के बुते हैं, उनको अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी है। हमारे देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के विषय में उतने अवेयर नहीं है। मैं ये नहीं कहता उन्हें कर्तव्यों की जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी है लेकिन अवेयर नहीं है। तो हम लोगों का ये सामूहिक रूप से ये अभिनव प्रयास, अनूठी पहल है कि हम लोग अपने नागरिकों को ये बता सकें कि अगर आप अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं, कर्तव्यों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संगठित भारत और सशक्त भारत बनेगा और कहीं ना कहीं हम लोग विकासशील देश से निकल के विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेंगे। साथ में एक हम लोगों का मेन उद्देश्य ये भी है कि आदिकाल से लेकर आज तक जितने भी हमारे यहाँ के सामान्य नागरिक है, उनको अगर हम प्रभु का भी दर्जा देते हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उन लोगों ने कर्तव्यों की कसौटी पे खरा उतर के प्रभु का दर्जा प्राप्त किया है। तो हम लोग तो एक आम आदमी है, हम लोग उस लेवल तक बात नहीं सोच सकते, लेकिन हम लोग कम से कम अपने दैनिक कर्तव्यों को अगर फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज के समक्ष एक मापदंड प्रस्तुत कर सकते हैं और देश के समक्ष अपने देश को एक सशक्त भारत बनाने के लिए अपने योगदान को, जो भी अपना योगदान है, उस योगदान को कर सकते हैं। जागरूकता तो हर क्षेत्र में मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गई है, लेकिन मतलब आपने किस पे मतलब ध्यान केंद्रित किया है? हमारा मेन ध्यान है कॉन्स्टिट्यूशन के 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। इसके अलावा हमारे कर्तव्य नैतिक कर्तव्य भी होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आप रॉन्ग वे पे चलेंगे तो आपका चालान कटेगा, वो एक आपका लीगल लाइबिलिटी हो गई। लेकिन अगर आप अपनी लाइन पे चलते हैं और आप समय पे अपने घर पे पहुंचते हैं, तो आपके पेट्रोल या डीजल की बचत होती है, आपके टाइम की बचत होती है, साथ में आपके अगल बगल में जो लोग निकल रहे हैं उनका भी टाइम और समय की बचत होती है। और जाम की समस्या, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग उससे बरी होंगे। और एक अच्छा वातावरण, क्योंकि पॉल्यूशन भी उससे फैलता है, उस तरीके की दैनिक यूज की चीजों पे हम लोगों का ध्यान है कि दैनिक कर्तव्य एक ड्यूटी को फॉलो करने से हम लोग डेली रूटीन में स्मूथली अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। IIMjagruk.com जो है, ये जब हम अपनी संस्था को यहाँ पे 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किए थे, उसके पश्चात हमने जनता को एक मंच चाहिए था जहाँ से हम अपनी टीम के संयोजकों को, जिनकी हम आज घोषणा कर रहे हैं, संयोजकों को और आम नागरिकों की बात को अपने तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम चाहिए था, तो वो मंच IIMjagruk.com वेबसाइट है हमारी। देखिए बना है, लेकिन दुर्भाग्य आज स्कूलों में शायद हमारे वो शिक्षा का पार्ट नहीं है जो हमारी आदत में होना चाहिए। जागरूकता एक आदत में होना है और संविधान को अंगीकार करना है, इसको ध्यान में रखते हुए इस वेबसाइट का अंकुर जी ने निर्माण किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई।